वालेकुम uh, मैं काफिर दूत पाक की मेंबर हूँ और मुझे तुलशीफ़ जो इस टीम को ज्वाइन किया था मैंने 2020 में किया था और ये तीसरा साल स्टार्ट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और मैंने तुलशीफ़ पढ़ना स्टार्ट किया मैंने वैसे दूशीफ मैंने दो हज़ार उन्नीस में पढ़ना शुरू किया था तो मैं सत्रह साल की थी और मतलब मैंने दूशेफ तो वैसे ही मैंने एक, एक चैनल देखा था मतलब चैनल वहाँ पे दूशीफ़ पढ़ते थे तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया और मैं कुछ वीडियोस देखती थी तो वैसे ही मैंने दूशी पढ़ना शुरू कर दिया मुबारक था तो जैसे मैंने दूसरी पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आता यानी कि मार्च के महीने से शुरू किया था मार्च अप्रैल मई में फिर रम़ान मुबारक आया रमज़ान में मैंने बहुत पढ़ा तो रमज़ान मुबारक में जब मैंने पढ़ना शुरू किया अभी मतलब मुझे पता चला था कि ना मोहम्मद रसोल्ला अपने दस हज़ार मरतबा मतलब मेरी एक वीडियो देखी थी उसमें यह था कि मोहम्मद रसुल्ला का दस हज़ार मरतबा पढ़ने तो मैंने तीनों रोज़ तीन अभी रोज़े थे पहले तीन रोज़े में ही मैंने मोहम्मद रसोल्ला को दस हज़ार मरतबा पढ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब मैंने तीसरे दिन छः हज़ार मरतबा पढ़ा पहले दिन दो हज़ार दूसरे दिन दो हज़ार और फिर तीसरे दिन मैंने छः हज़ार मरतबा दूधे ये पढ़ा मोहम्मद रसूल रहा तो मुझे तीसरे दिन मतलब मैंने एक बजे तक पढ़ा था रात को फिर मैं सोई और मुझे नबी अलैहि वसल्लम की सेहत हुई और फिर मतलब जहरी का वक्त था मैं उठी की तकरीबन मैं एक घंटा सोई तो तब से मुझे बहुत सारा शौक़ हो गया कि नवी की किताब के लिए उनकी खुशी के लिए उन पढ़ना शुरू किया बहुत अच्छे मुशाहदात रहे मतलब दिल से मैंने पढ़ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई प्रॉब्लम्स तो पढ़ा मैंने अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा इस दूसरी की बरकत से फिर मैंने श्रैफ़ पढ़ता भी शुरू किया और बहुत सारी मैं मुश्किलों से बची बहुत ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए खवाह में देखा कि बहुत सारी मुश्किल आ रही पर उसमें भी यही मतलब कि दुरुषी पढ़ो तो इससे तमाम मुश्किल दूर होती हैं और इसके अलावा मैं एक दरुद ख़ास पढ़ती थी उसका नाम था दरुद ख़ास सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाया मोहम्मद नूरी मिनर तो इससे अल्लाह तला हर मुश्किल को दूर करती है इसको भी मैं बात बहुत प्रॉब्लम्स में पढ़ती थी तो उसी वक्त लेकिन पाँच से मिनट्स के बाद ही जो प्रॉब्लम होती वो सॉल्व हो जाती थी उसके बाद मैंने काफिला दरूशीफ की भी जो मैंने दो हज़ार बीस में देखी और फिर मैंने एक करोड़ की नीयत प्रॉपर की पहले मैं वैसे ही द्रू पढ़ती थी फिर मैंने एक करोड़ की नीयत की और अब दो हज़ार तेईस चल रहा है तो मैंने अब तक बारह लाख अलहमदिल्ला बारह लाख मरतबा पढ़ ली तो अंदर कभी में कभी मेरी मतलब हौसला कम भी हो जाता था तो मैं अंदर पढ़ना छोड़ देती थी मतलब पढ़ना छोड़ती नहीं थी मतलब रोज़ाना कम से कम मैं एक हज़ार तो मरतबू करती हूँ फिर कभी कभार जब ज़्यादा अलहमदिल्ला तौर मौका देते स्टार्ट फाइव थाउजेंड तक टेन थाउजेंड तक लेकिन इसमें डिफरेंट दुरूसी किए हैं जैसे सल मोहम्मद सल और दरूद खास वगैरह या मोहम्मद नूरी मिन नूरील्ला पढ़ते हैं और सल मोहम्मद वसावी ये हाँ दुरत खसरी भी, भी पढ़ती हूँ दुर्त इब्राहीम भी तमाम दुर्ष नूर हैं आप कोई भी पढ़ सकते हैं तो मैं ज़्यादातर सल मोहम्मद सल वम पढ़ती हूँ और इसी तरह अल्लाह त्वाम आपको दिखा देते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो प्रॉब्लम होती हैं ना तो उनको हल के लिए काफ़ी दफ़ा मुझे ख्वाब में इशारा हुआ कि आप द्रोशी फीट करें और एक दफ़ा मेरे ख्वाब में, में देखा था मेरे पीछे एक बहुत ख़तरनाक ये जिनात में से कोई चीज़ थी इस टाइप की मेरे पीछे लगी और मैंने दरूशी शरीफ पढ़ना शुरू किया दरूद ख़ास ही सल्लल्लाहु या मोहम्मद नूरी नूरिल्ला इसको मैं हमेशा से प्रॉब्लम्स में पढ़ती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हमदिल्ला तमाम प्रॉब्लम्स दूर हुई और दुरूष ही तो खुद ही यानी कि ऐसे इंसान के लिए ना जो वो सोचता है अल्लाह ती कर देता है यानी कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है फिर उसके बाद मेरी जो जो मतलब तमन्नाएं थी वो पूरी हुई और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में फिर मेरा निकाह हुआ और लाइक मैंने अपने लिए जो सी भी ख्वाहिशात की अल्लाह ताला ने तमाम कबूल फ़रमाई इस्लाम पर चलने की मुझे, मुझे मौका दिया और इसके अलावा मतलब दुर्ू शीफ ना इंसान के लिए हदायत का ज़रिया बनता है दूरू की वदौलत ही मैं पढ़ती की तरफ़ आई इस्लाम की तरफ आई अल्लाह ताली ने मुझे बहुत चेंज कर दिया मैं बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब इतना पर्दा नहीं करती थी तो मैंने जब दुरूशीफ पढ़ाई अल्ल तुझे पर्दे से नवाजा और मैंने मुझे फ़ैशन की दुनिया से फिर दीन की दुनिया की तरफ लेकर आए जिसमें बहुत सकून है बहुत इतमान है और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हर इंसान के लिए बेहतरी करते हैं तो अल्लाह ताला जैसा कोई दोस्त नहीं लेकिन मैंने नबी से मोहब्बत करना सीखा और जो नबी वसल्लम से मोहब्बत है ना वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है अपने वाले का एहतराम कैसे करना है दुनिया में कैसे रहना है और दीन में क्या है दुनिया में क्या है कैसे चलना है सही हो गलत की पहचान दूशी ने सिखाई और मतलब एक जगह पे मेरा ये भी फेमस होता है जैसे हर इंसान का होता है कि वो खूबसूरत हो अहमदिल्ला तार में बहुत मना था लेकिन जब हम इंसान रूशी पड़ता है ना अल्लाह उसके अंदर ख़ुद ही एक खूबसूरती पैदा करना शुरू करता है यानी कि नौ उसमें आती है और मुझे बहुत से लोग कहते थे आप बहुत खूबसूरत हो गई हैं और ज़्यादा मतलब खूबसूरत हो गई आप आपने कहाँ से कोई फेशियल करवाया है या कुछ ऐसा मैं ना मतलब मेरे अंदर ये भी शौक होता था मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ के ना अपने चेहरे पर लगा लेती थी यानी भूख मार के ना अपने हाथों पर हथेलियों पर और मैं अपने चेहरे पर लगा देती थी, थी ताकि मैं लाइक खूबसूरत हो जाऊँ तो मुझे वाजिया लोग कहते थे आप बहुत खूबसूरत हो हैं और आप क्या किया है आपने फेशियल किया है लेकिन ये सब दोषीफ की बरकत है दोषीफ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया मैया ना किया जो इंसान बासरत हर रोज़ मतलब कसरत से दुरूषी पड़ता है तो उसको दुआ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यानी कि अल्लाह ताला उसकी डायरेक्ट दुआ कबूल करते हैं इसके जहन में भी जो ख्वाहिहश आती है और ये बिल्कुल गारंटी है इस चीज़ की बाकी बातों का तो पता नहीं लेकिन द्रुशी जो इंसान पड़ता है ना उसकी बात ही और होती है अल्लाह ताला उससे उस बंदे को विलायत देते हैं उस बंदे को अपने करीब कर लेते हैं और वहाँ से महसूस होते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को भी पसंद करें जो दूसी पढ़ ठीक है और अपने आस पास जितने भी लोग हैं उनको दूसी पढ़ने की दूसरी पढ़ने का कहीं अपने बहन भाइयों को अपनी मेंबर्स को अपने क्लास फैलोज़ को और खासतौर पर एक करोड़ की नीयत करवाएं क्योंकि हमारे जो ग्रुप का मेन मकसद है यही है ताकि खुद भी करके दूसरों को भी सीख तलकिन दें और लिखना भी शुरू करें क्योंकि लिखना दूषी लिखने से ही बहुत कुछ और बावजूद लिखें क्योंकि आम रूटीन में चले ना भी हो लेकिन बावजूद ज़रूर लिखें वो आपके लिए ये और भी ज़्यादा मतलब उसमें अकीदत हो जाती है और भी ज़्यादा मोहब्बत के अलावा आपको और ज़्यादा स्वाब मिलेगा ठीक है इसके अलावा दूसरों को ज़रूर कहें क्योंकि अगर दूसरे आपकी बात सुन के दोषी पढ़ भी लेंगे उसका भी सवाब आपको होगा जैसे कि हम सब मिलकर दोषी करते हैं वर्त और हम सब का मिल कर वित करने से हम सबको हम सब की नकियाँ यानी कि एक बंदा अगर रस्म ग्रुप में अगर फॉर एग्जाम्पल सौ लोग भी हैं तो उन सौ का स्वाब उस बंदे के अकाउंट में भी आ रहा है तो इंसान कितना नेकियों में ज़्यादा बढ़ता होगा आजकल बहुत हालात ख़राब है बहुत वितनों का दौर है आजकल इस्लाम के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है अपने आप को बचाना होगा तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जब इंसान दूची पढ़ना स्टार्ट करता है ना तो उसे बहुत वसवसे आते हैं शुरू शुरू में ना ये ना करो वो मतलब इधर उधर ध्यान लगाता है कभी हम उधर देख लेते हैं कभी हम आ, मतलब हमारा ध्यान किसी और तरफ लगाने की कोशिश करता शैतान मगर हमें जब एक दफ़ा दूसरी पढ़ना शुरू कर दिया ना पाँच मिनट दस मिनट कंसंट्रेशन के साथ ना भी का ध्यान रख कर दिमाग में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान रख के दूसरी वर्द करना है और फिर उसके बाद आपकी ज़ुबान को आपकी मतलब मतदूषी पढ़ने की आदत हो जाएगी फिर आप पढ़ते रहेंगे आपको लज्जत आना महसूस होगी शुरू शुरू में आपको शैतान बहकाएगा लेकिन आपने अपनी इस चीज़ को नहीं रखना आप शुरू शुरू में आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे और एक साइंटिफिकली भी रिसर्च है अगर हम किसी चीज़ की आदत तो बनाना चाहते हैं तो हम उससे इक्कीस दिन करें तो वो हमारी आदत में आ जाता है आप रख लें सोने से पहले पंद्रह मिनट बीस मिनट मैंने दरूसी पढ़ना है जब आप ट्वेंटी वन डेज इस चीज़ को रोटी रिवाइज़ करते रहेंगे करते रहेंगे तो आप में ये आदत बन जाएगी ठीक है ट्वेंटी वन डेज़ कोई भी चीज़ को अपनाएं और उसको डेली करते रहें तो वो हमारी आदत बन जाती है फिर आपको इक्कीस दिन के बाद आपको आदत हो जाएगी दरूसी पढ़ने की फिर आपको इसके बगैर नींद भी नहीं आएगी और जब बावजूद सोएं बावजू और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है सबसे बड़ी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अच्छो हासिल होती है हल्ले से वो आपको सुन रहे होते हैं आप उनकी नज़रों में होते हैं ठीक है ना सिर्फ़ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम श्ला हम सबकी शफात फरमाएँगे क्योंकि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हमें सहारा है द्रू शिफ़ हमें मिला तो नबी वाल मिल के और नबी सल मिल के तो हमें अल्लाह मिल जाए तो इन शह मैं दुआ करूँगी सब लोग आप लोग भी मेरे लिए बहुत दुआ करें हर इंसान से मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे के मेम्बर्स हैं अल्लाह ताला ने हम सबको मिल कर मिलाया है हम सबको जोड़ा है तो हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला हमें क़यामत तक हमारी नस्लों में इस चीज़ को जारी फरमाए कि हम हमेशा दुआ करते रहिए दुआ करें अल्लाह ताला हमारी नस्लों में भी आदतें पैदा फरमाए कि वो बचपन से ही दुरूद हम उनको पढ़ने की आदत बनाएँ और क़यामत तक हम तो अपनी नस्लों की इस चीज़ की तकीदें आगे हमारी नस्लों की जब आगे नस्लें होंगी हमें हमेशा से इस चीज़ का ये रखना है अज़म के हम उन्हें दरूद पढ़ने की तलकिन करें आगे से आगे क्योंकि सिर्फ हमें दरूद ही बचा सकता है जैसे कि फ़ितरों का दौर है ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन कवर की तरह काम करता है ठीक है बस ये दुआ है कि आप सब भी मुझे दुआ को याद रखें मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी और अल्लाह तला ने हमें हमेशा ऐसे ही जोड़े रखे काफ़िलत को ठीक है हम सब ने पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है और लिखना भी है द्रशिये को लिखवाना भी और एक रोट की नीयत करनी भी है और, और सबको इसका हुक्म भी देना है तलकिन करनी है ताकि वो भी पढ़ें और अल्लाह ताला हम सब की बख्शियत ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबियाँ अदा फरमाए ओके जजाक